दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल के प्रोग्राम में आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन अलर्ट और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। इन्फ्लेशन तो मतलब जानते ही हैं, मुद्रा स्फीति यानी कि महंगाई, और अलर्ट मतलब जो सावधानी बरतना है उसको लेकर ये है। तो इन्फ्लेशन को लेकर जो है सावधानी, ठीक है ना। राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइस द डिप्रेस्ड डिमांड इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट। आप देखिए डिप्रेस्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, ठीक है ना, और कभी कभी नॉट हैप्पी भी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों होता है डिप्रेस्ड का मतलब। तो राइजिंग प्राइसेस जो है यानी कि बढ़ता हुआ जो कीमत, बढ़ती हुई जो कीमत है, डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड यानी कि कम डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, मतलब डिमांड में कमी होने के बावजूद जो है बढ़ती हुई कीमत जो है यह जो है एक कॉज है, मतलब कारण है इसका, डिस्क्वाइट का। डिस्क्वाइट मतलब कंसर्न, मतलब चिंता, चिंता का कारण है। द लास्ट थिंग दैट इंडियाज पैंडेमिक हिट इकोनॉमी नीड्स इज एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। ये अंतिम चीज जो कि इंडिया के पैंडेमिक हिट इकोनॉमी को जरूरत है, यानी कि इंडिया का, भारत का महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को जरूरत है। लास्ट थिंग वो क्या है, एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। ये एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन मतलब बढ़ती हुई महंगाई की जरूरत है भारत के इकोनॉमी को, जो कि महामारी से प्रभावित है। अब जो है यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इज जो है इसके साथ वर्ब का ये फॉर्म नहीं आ रहा है कि एक्सेलरेटिंग, मान लीजिए ही इज एक्सेलरेटिंग द प्राइस ही इज एक्सेलरेटिंग द स्पीड, ठीक है ना, वो सेंस में नहीं आ रहा। जैसे ही इज वर्किंग, जैसे वो उस सेंस में नहीं आ रहा है कि इज के साथ जो है ING का फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक्सेलरेटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये क्वालिफाई कर रहा है इन्फ्लेशन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड येट दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द लेटेस्ट डेटा पॉइंट टू। और यहाँ पर कह रहा है, और फिर भी दैट इज व्हाट, यह वही है मतलब प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली, दैट इज प्रिसाइसली व्हाट द लेटेस्ट डाटा पॉइंट टू। ये जो कि लेटेस्ट डाटा यानी कि नवीनतम डाटा इंगित करता है या इशारा करता है, जून का रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो टाइप के होते हैं, एक रिटेल एक होलसेल, ठीक है ना। तो जून का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो खुदरा महंगाई है, जो कि 6.1% पढ़ा गया है यानी कि नापा गया है। रीडिंग का मतलब मेजरमेंट, रीडिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग भी होता है, ठीक है ना। तो जून का जो रिटेल इन्फ्लेशन जो कि 6.1% है, ये इज वरिंग, ये काफ़ी चिंताजनक है, पर्टिकुलरली खास करके सिंस इट वॉज, चूंकि ये जो है खुला, इट वॉज फर्स्ट मंथ, ये पहला मंथ था जब इकोनॉमी जो है फिर से खुला था, किस चीज से, फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन ऑफ द प्रिसीडिंग टू मंथ्स। पिछले दो महीने के क्रिपलिंग लॉकडाउन, क्रिपलिंग मतलब होता है पंगू बना देने वाला, और लॉकडाउन तो जानते ही हैं क्या होता है। तो ये जो क्रिपलिंग लॉकडाउन्स है पिछले दो मंथ का, उससे जब ये इकोनॉमी खुला था तो यह जो था ये पहला मंथ था, ठीक है ना, और इसी वजह से यह पर्टिकुलरली वरिंग है। वाइल द डिसरप्शंस का मतलब होता है किसी चीज में व्यवधान होना, यानी कि खलल पड़ना, दरार पड़ना, ठीक है ना, यानी कि किसी चीज को आप कोई एक्टिविटी को रोक देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिसरप्शंस है कॉज टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ रिजल्ट ऑफ द नेशन वाइड पैंडेमिक, नेशन वाइड शटडाउन। ये जो राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से, एज अ रिजल्ट मतलब उसके वजह से, यानी कि राष्ट्रव्यापी जो लॉकडाउन हुआ था उसके वजह से गुड्स एंड सर्विसेज में, यानी कि माल और सेवाओं के आपूर्ति में जो व्यवधान पैदा हुए थे, ठीक है ना, वो जो है कुछ हद तक, टू एन एक्सटेंट का मतलब कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकता है, मतलब बता सकता है किस चीज़ के बारे में, जो ये प्राइस गेंस में जो एक्सेलरेशन आई है, मतलब कि जो तेजी आई है उसको ये बता सकता है, मतलब उसका वजह वही है, ठीक है ना, ये बता सकता है कि दैट दिस हैपेंड, यह जो हुआ है दैट दिस हैपेंड डिस्पाइट डिप्रेस्ड डिमांड, यानी कि डिप्रेस डिमांड, डिप्रेस मतलब रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस डिमांड के बावजूद ये हुआ है कि प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, ये जो है इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट, ये है एक चिंता का विषय है। अ क्लोजर लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब है, आप कह सकते हैं उपभोक्ता जो मूल्य
जो सूचकांक होता है, यानी कि इसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही पढ़िए बेहतर रहेगा, एक क्लोजर लुक जो है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में करीब से देखने पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर अगर करीब से देखें यानी कि उसको और क्लोजली देखें, तो यह बताता है कि प्राइसेस इन फूड एंड बीवरेजेस ग्रुप, यानी कि प्राइसेस जो है, जो कीमतें हैं, ठीक है ना, यानी कि खाद्य एवं पेय समूह में, खाद्य बीवरेज मतलब पेय, तो खाद्य एवं पेय, ठीक है ना, ग्रुप में, समूह में, ठीक है ना, ये प्राइसेस जो है वो कितना बढ़ा, रोज ऑन एवरेज 7.3% ईयर ऑन ईयर, यानी कि साल दर साल ये औसतन 7.3% बढ़ा, किस चीज़ में, फूड एंड बीवरेजेस ग्रुप में, ठीक है। ये बताता है कौन, अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वो क्लोजली अगर उसमें देखते हैं, मतलब उसको कह सकते हैं आप उसको जो है क्लोजली रीड करते हैं, क्लोजली लुक करते हैं, यानी कि उसको देखते हैं, तो ये बताता है कि प्राइस जो है कंज्यूमर प्राइस मतलब कि फूड एंड बीवरेज ग्रुप में वो जो है बढ़ा है कितना, 7.3% ईयर ऑन ईयर, विद द की प्रोटीन सोर्स, जिसमें जो है की मतलब प्रमुख प्रोटीन सोर्स जो होते हैं, यानी कि प्रोटीन जो स्रोत होते हैं इस चीज़ के, पल्सेस और प्रोडक्ट्स, यानी कि पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो दाल वगैरह होता है और जो और अन्य उत्पाद जो होते हैं उसका जो प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना, प्रमुख प्रोटीन स्रोत जो है वो कितना बढ़ा है, सर्जिंग 16.7%, ये जो है बढ़ा है 16.7%, मीट एंड फिश, और मीट और फिश कितना बढ़ा है, ये 16.2%, एंड मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, जैसे मिल्क से तैयार किया गया और सामान, जैसे पनीर हो गया, आइसक्रीम हो गया, जितने भी और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये जो मिल्क एंड डेरिवेटिव्स जो हैं वो कितना बढ़े हैं, 8.4%, ये बताता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर क्लोजर लुक करते हैं, मतलब उसको बारीकी से अगर देखते हैं तो। इन्फ्लेशन इन फूड कैटेगरी, ये जो है महंगाई जो है फूड कैटेगरी में, यानी कि ये जो खाद्य श्रेणी में अगर देखेंगे, अगर ये महंगाई जो है, वुड हैव बीन मच फास्टर, ये इन्फ्लेशन जो है कहीं ज़्यादा और तेज होता, समझ गए ना, मतलब हुआ नहीं, मतलब और ज़्यादा तेज होता यदि, बट फॉर वेजिटेबल्स, लेकिन ये जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कारण जो है, फ्रूट्स के मॉडरेटिंग द गेंस, यानी कि कीमतों को जो है कम करने, मतलब कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या किया, इस गेंस को मॉडरेट कर दिया, ठीक है ना, कैसे मॉडरेट कर दिया, क्योंकि एंग्जियस ग्रोअर्स जो हैं, यानी कि चिंतित जो उत्पादक हैं जो ग्रो कर रहे हैं इसको, लाइकली सोल्ड, लाइकली मतलब पॉसिबली, इसने जो है इसने बेच दिया पेरिसेबल्स को, पेरिसेबल मतलब होता है पेरिसेबल गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो कि जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, एट डिस्ट्रेस रेट्स, डिस्ट्रेस रेट मतलब होता है, डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा चिंता, एक्सट्रीमली वरी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रेस रेट्स का मतलब होता है मजबूरन, आप जब मतलब कि आपका जब सामान बर्बाद होने की स्थिति में आ जाती है, तो आप चाहते हैं कि उसको किसी न किसी रेट में आप जल्दी से जल्दी बेच दें आप उसको, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस रेट्स, ठीक है ना, तो बट फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेकिन ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के वजह से जिसके कारण जो है गेंस में कमी आई, एज क्योंकि एंग्जियस ग्रोअर्स जो हैं उसने पॉसिबली जो है पेरिसेबल्स को बेचा अपने गुड्स, वो गुड्स जैसे सब्जी हो गया, जैसे फल हो गया, वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, तो वो पेरिसेबल्स को जो है वो उसने बेच दिया डिस्ट्रेस रेट्स पर, जिसके वजह से रिजल्टिंग इन फ्रूट्स शोइंग अ 7.7% डिफ्लेशन, इसके वजह से फ्रूट्स में जो है 7.7% की कमी देखी गई, एंड वेजिटेबल्स में जो है वो मार्जिनल मतलब कि मामूली सा 1.9% का बढ़ोतरी देखी गई, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स पेट्रोल एंड डीजल ऑल्सो पोस्टेड अ 7.1% जंप, यानी कि कहा जा रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट परिवहन और जो कम्युनिकेशन संचार जो है जिसमें शामिल पेट्रोल और डीजल भी है, इसमें भी जो है 7.1% का उछाल देखा गया, द रिसेंट सस्टेन इंक्रीज, ये जो हाल ही में जो निरंतर वृद्धि हो रही है,
फ्यूल प्राइसेस में, ईंधन की कीमतों में इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इनटू हायर कॉस्ट। इसके वजह से जो है लागत में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ये लागत किस चीज़ के लिए है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस, यानी कि कृषि उपजों को का परिवहन करने के लिए जो लागत आएगा उसमें जो है यह फ्यूल प्राइसेस की में बढ़ोतरी के कारण जो है लगातार जो हाल ही में जो बढ़ोतरी हुई है इससे जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी इस लागत में। एंड इट इज़ देयरफॉर हार्ड टू इन्विसर्स, और इसलिए जो है ये कठिन है, ये बड़ा मुश्किल है कल्पना करना फूड प्राइसेस को गिरते हुए या उसको नरम होते हुए एटलीस्ट इन द नियर टर्म, कम से कम निकट अवधि में। द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट ऑफ द मॉनसून इन जून, ये जो जून में जो है जो मॉनसून का तेजी से और समय पर जो आगमन हुआ है, ठीक है ना, ऑनसेट मतलब शुरुआत जो हुई है, तो जून में जो मॉनसून का तेजी से और समय पर जो शुरुआत हुई है विथ हायर रेनफॉल, मतलब जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अधिक बारिश मतलब अधिक वर्षा के साथ, डज ऑफर सम रीएश्योरेंस, यह जो है कुछ रीएश्योरेंस देता है। रीएश्योरेंस मतलब आश्वासन देता है। इफ़ द रेन सस्टेन, यदि ये रेन्स जो है ये बारिश जो है ये रहती है, रेन्स मतलब सस्टेन मतलब कि ये अपने आप को बनाए रखती है, द क्या बनाए रखती है, द अर्ली मोमेंटम, ये जो अभी का जो मोमेंटम है जो गति है शुरुआती गति जो है ये अगर बनाए रखती है एकदम तेजी से जो बारिश हो रही है, एंड कवर द की हार्टलैंड, की एग्रेरियन हार्टलैंड एडिक्वेटली, और ये जो एग्रेरियन हार्टलैंड, एग्रेरियन हार्टलैंड का मतलब समझिए वहाँ पर जहाँ पर कृषि जो है बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से की जाती है जैसे बिहार यूपी वगैरह में, ठीक है। तो इफ़ द रेन सस्टेन द अर्ली मोमेंटम, यदि रेन जो है वो अपने अर्ली मोमेंटम को बनाए रखती है और एग्रेरियन हार्टलैंड को, ठीक है ना, जहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा प्रमुखता से की जाती है उस हार्टलैंड को जो है पर्याप्त रूप से अगर वो कवर कर लेती है तो क्या होगा, द प्रॉस्पेक्ट्स, जो संभावनाएँ हैं फॉर ए बाउंटीफुल हार्वेस्ट, एक प्रचुर एक बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, हार्वेस्ट फसल का या उपज का जो संभावना है, और जो रिजल्टेंट और परिणाम स्वरूप जो मॉडरेशन इन फूड प्राइसेस, और इसके वजह से जो है खाद्य कीमतों में जो है मॉडरेशन आने का यानी कि कमी आने का उसके परिणाम स्वरूप लेटर इन द ईयर, साल के अंतिम अंत में आर्बराइट, ये जो है अपने आप में बहुत उज्जवल है, ये प्रॉस्पेक्ट्स जो है वो काफ़ी ब्राइट है। स्टिल फॉर नाउ, फिर भी अभी के लिए वेजिटेबल प्राइसेस आर रिपोर्टेड टू बी सर्जिंग, फिर भी अभी के लिए वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो माना जा रहा है या ऐसा सूचना है कि वो जो है बढ़ रहा है। एंड प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्रोवाइडर्स हैं वो तरीके तलाश रहे हैं, एक्सप्लोरिंग वेज, एक्सप्लोरिंग का मतलब तलाशना, वेज तरीका या रास्ता, तो ठीक है वो रास्ते तलाश रहे हैं क्या करने का, टू इंसुलेट देयर बिजनेसेस, अपने बिजनेस को सुरक्षित रखने का, अपने बिजनेस की रक्षा करने के, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की, इंसुलेट मतलब प्रोटेक्ट करना देयर बिजनेस फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से, किस चीज़ से, फ्रॉम द वीक डिमांड, कमजोर मांग से अपने आप अपने बिजनेस को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। स्टील कंपनीज जो हैं, जो स्टील कंपनीज हैं वो हाल ही में जो है घोषणा की है कि वे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे जो है स्टील कंपनीज के लिए आ रहा है, तो दे वो रेजिंग प्राइसेस, वे जो है कीमतों को बढ़ा रहे हैं, किस वजह से, इन रिस्पांस टू राइजिंग कॉस्ट रिलेटेड टू आयरन ओर एंड द कोविड 19 पैंडेमिक, यानी कि कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, और आयरन ओर से संबंधित जो बढ़ती हुई लागत है उसके जवाब में, उसके प्रतिक्रिया में जो है स्टील कंपनीज जो है वो क्या कर रही है कि वो जो है प्राइसेस को बढ़ा रही है, कीमतों को बढ़ा रही है। अब कहा जा रहा है रिसर्चर जो शोधकर्ता है IHS मार्केट, ये IHS मार्केट जो है एक रिसर्चर है, ठीक है ना, उसका जो लेटेस्ट इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे जो आया है, ठीक है ना, बिजनेस लेटेस्ट जो है नवीनतम इंडिया बिजनेस आउटलुक का मतलब क्या होता है, नियर फ्यूचर या कह सकते हैं आप कह सकते हैं लाइकली फ्यूचर सिचुएशन, जो बात की बात कर रहे हैं मतलब कि संभावना, सर्वे तो जानते हैं सर्वेक्षण, रिलीज्ड ऑन मंडे यानी कि
सोमवार को जो जारी किया गया इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे जो कि आईएसएस मार्केट का लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है ना, वो जो है पेंट्स करता है एक डिस्मल पिक्चर, मतलब कि निराशाजनक तस्वीर पेश करता है, जिसमें सेंटीमेंट्स जो है हैविंग टर्न नेगेटिव, जिसमें सेंटीमेंट्स जो है नकारात्मक बन गया है इन जून जून में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन द 11 ईयर्स, मतलब 11 साल में पहली बार, जब से सिंस इट बिगेन, इट मतलब आईएचएस मार्केट जो है, सिंस इट बिगेन पोलिंग बिजनेसेस इन द कंट्री, जब से ये देश में बिजनेसेस को पोल करना शुरू किया था, उसके 11 साल में पहली बार जो है इसने बताया कि, इस रिपोर्ट में बताया गया कि सेंटीमेंट जो है वो निगेटिव हो गया है, एंड फर्म्स, और जो फर्म्स जो कंपनियां हैं वो क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग ए स्टीप ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस, वो जो है वो आत्मविश्वास में बहुत तेज गिरावट को दर्ज कर रहे हैं या पेश कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। रोचक बात यह है, मतलब यह बात रोचक है कि सर्वे जो है यह भी बताता है, मतलब सर्वे यह बताता है कि वाइल एम्प्लॉयर्स, कि जहाँ जो एम्प्लॉयर्स हैं, नियोक्ता जो हैं, आर सेट टू मतलब तैयार हैं जॉब्स को कट करने के लिए, कटौती करने के लिए नौकरियों में, ताकि फॉल्टरिंग डिमांड से निपटा जा सके, यानी कि लड़खड़ाते हुए डिमांड से निपटा जा सके। कंपनी ये भी प्लान करती है, कंपनी का मतलब कंपनी जो है यह भी प्लान करती है कि वो जो है सेलिंग प्राइसेस यानी कि कीमतों को जो है वो बढ़ाएगी ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि अगले 12 महीनों में, ताकि वो जो है अपने प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर सके, यानी कि अपने मुनाफे को बचा सके या उसको रक्षा कर सके। विथ इन्फ्लेशन ऑलरेडी अबव द आरबीआई 6% टारगेट अपर बाउंड, यानी कि आरबीआई का जो एक सीमा होती, मतलब कि उसका जो एक स्टैंडर्ड जो उसने तय कर रखा है कि इन्फ्लेशन जो है 6% मैक्सिमम होना चाहिए, तो आरबीआई का जो 6% टारगेट, जो लक्ष्य जो है अपर बाउंड का, ऊपरी सीमा का, ठीक है ना, उससे उससे ऊपर है इन्फ्लेशन पहले ही। तो कहा जा रहा है कि आरबीआई का जो 6% टारगेट है अपर बाउंड ऊपरी सीमा का, उससे पहले ही इन्फ्लेशन जो है पहले ही ऊपर है, उसके साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं, यानी कि मुद्रा नीति से, नीति को बनाने वाले जो निर्माता हैं, यानी मुद्रा नीति के जो निर्माता हैं, फेस एन अनवियेबल चॉइस, अनवियेबल मतलब अवांछनीय, मतलब जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि आरबीआई का जो 6% टारगेट है अपर बाउंड का, उससे ऊपर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है पहले से ही ऊपर है, ठीक है ना, उसके साथ जो है मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स को जो है सामना करना पड़ सकता है अनबियेबल चॉइस का, यानी कि अवांछनीय विकल्प का, अ फर्दर रेट कट टू हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम, यानी कि इकोनॉमिक मोमेंटम को, ठीक है ना, यानी कि आर्थिक आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए, आर्थिक गति को आर्थिक गति में तेजी लाने के लिए एक और रेट कट, मतलब कि दर में एक और कटौती, ठीक है ना, उसमें जो है जोखिम क्या है, रिस्क, ये जो है आप देखिए, अ फर्दर रेट कट टू हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम, ये फर्दर रेट कट का जो है यहाँ पर आपका जो तो वर्ब है ये है, तो ये कट से ही ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही है। तो फर्दर रेट कट क्यों, तो टू हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम, यानी कि इकोनॉमिक मोमेंटम को रिवाइव करने के लिए, तेजी लाने के लिए जो एक और रेट कट जो है उसमें क्या होगा, ये जो है इसमें जोखिम होगा किस चीज़ का, फैनिंग, फैनिंग मतलब भड़काना एक तरीके से, फास्टर प्राइस गेंस, यानी कि और ज़्यादा कीमतों में तेजी लाने में, तेजी मतलब और ज़्यादा कीमतों में जो है और ज़्यादा तेज होना, और पुटिंग द इकोनॉमी, और इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को जो है ऑन ए पाथ टू स्टेगफ्लेशन, कि ये जो है अर्थव्यवस्था को किस रास्ते पर लेकर आ जाएगा, स्टेगफ्लेशन के रास्ते में। स्टेगफ्लेशन मतलब होता है वो ऐसी स्थिति जब 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 कीमतें जो है, यानी कि प्राइसेस जो है वो तो बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है
वो मंद पड़ा हुआ है, सुस्त पड़ा हुआ है, मतलब इकोनॉमी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, मतलब एकदम स्थिर है, लेकिन प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना। तो अगर फर्दर रेट कट करते हैं इकोनॉमिक मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, उसको उस पर तेजी लाने के लिए, तो उसमें जोखिम हो सकता है कि कीमतें जो है और ज़्यादा बढ़े और इकोनॉमी जो है स्टैगफ्लेशन के रास्ते पर चले आए। दोस्तों आज का एडिटोरियल कैसा लगा, आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।